सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर क्या था, टू स्कूल ए एंड बी डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर थ्री वैल्यूज टीम स्प्रिट ट्रूथफुलनेस टॉलरेंस एज द रेट एक्स वाई जेड पर स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। स्कूल ए डिसाइडेड टू अवार्ड ए टोटल ऑफ रुपीज 1100 फॉर थ्री वैल्यूज टू 312 एंड स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, व्हाइल स्कूल बी डिसाइडेड टू अवार्ड 1400 फॉर थ्री वैल्यूज 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन आफ्टर फॉर्मिंग लीनियर इक्वेशन, इट इज़ ए पॉसिबल टू सॉल्व। अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड थ्री वन टू 1, 2, 3 1, 1, 1 एक्स वाई जेड 1400 दिस वन 600 एडजॉइंट क्यों निकाला सर, एडजॉइंट ऑफ ए क्यों निकाला? अच्छा 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 जरूरत नहीं था ना। ठीक है ओके, ये तो ठीक हो गया। एक्स के वैल्यू फाइंड करना था ना, एक्स के वैल्यू फाइंड करना है ना। कौन सा वाला किया तुमने, एट का कौन सा और पार्ट किए थे? एक मिनट सेवेंथ का तो फुल मार्क्स हो गया। कहाँ मिस्टेक किया बेटा, टू एक्स और थ्री था ना, टू एक्स थ्री था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, टू एक्स माइनस नाइन है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया, फोर एक्स हुआ है ना, फिर यहाँ पे एक्स एक्स थ्री है, एक्स का थ्री है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। क्या कह रहे, माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स कितना होता है? ये तो गड़बड़ कर दिया यार, 2x2 + 3x। हाँ सर कट गई, ये गलत हुआ तो दो नंबर देगा, चार मार्क्स वाला था ना। हाँ सर,
हाँ ये क्या है, वैसे ही काट दें, डेढ़ भी काट सकते हैं। नाइन्थ वाला चुप प्रूफ करना है। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद नाइन ना, नाइन हो गया, 10। यस करेक्ट। अच्छा संडे है ना रे, आज तो संडे है ना। कौन सा वाला कट किया, और वाला? हाँ एक मिनट चेक करना, तेरा गड़बड़ लग रही है बोला। सिक्स एक्स बी फोर हाफ लॉक टी नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद कौन सा क्या, ट्वेल्थ का और पार्ट? हेलो आसो, हेलो आसो, जस्ट 5 मिनट के बाद करना ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या काम दिया था? तो केमिस्ट्री का एक रिएक्शन बता, तो मार्करी सेल का रिएक्शन,
याद नहीं हुआ? हाँ बोलो, याद करोगे फिर भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, ऐसे ही होगा। फिर एक जगह लिख के रखा बेटा। अच्छा, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बिना देखे लिखो, फिर जो जो भूल जाओगे उसको फिर दोबारा देख के फिर करना है। मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ही हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट के बाद कर ले, हैं? हाँ, सभी तीनों एक साथ ही करोगे, हैं? ओके। हाँ राहुल, अच्छा उन लोग का भी होमवर्क, अच्छा प्रॉब्लम इज सॉल्व है ना, दैट इज 12। और पढ़ के ना, फर्स्ट पार्ट सही है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, एग्जैक्टली वन सॉल्व, ठीक है, हो गया। दो ही पार्ट था ना, सही सही हो गया। नाउ 13, में 13 का तो एक ही पार्ट था, ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर, दिस वन आर्को प्लानर है ना। लैम्डा के वैल्यू उसने निकालना, कितना है लैम्डा के वैल्यू? 19/2। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन ठीक से लिखा गलत लिखा? -4 क्या था भाई? ए बी के वैल्यू क्या है? -4i कैप, -6j कैप, -2k कैप, -i प्लस लैम्डा -5j कैप प्लस। हाँ भाई क्या हुआ? लैम्डा -5 आई कैप प्लस कितना हुआ? ए सी का वैल्यू क्या किया? ए सी का वैल्यू क्या लिखा? अच्छा प्लस 3 का, 3 के का। तुमने कितना लिखा? मैं 3 तो लिखा था। क्या 3 लिखा? ये 3 है, 8 है। थ्री लिखा था ना, अच्छा ठीक है, तो 8 जैसे लगा। -8 कैप, -6 कैप, +3k कैप, दोनों में ही 3k कैप लिखा, 8 जैसे लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर चलते हैं। -1 क्रॉस भी निकाल दिया है, 1 क्रॉस ए सी क्रॉस ए डी और ए बी के हिसाब से लैम्डा का वैल्यूज आएगा तुम्हारा 9 है, तुम्हारा 19/2 आया, कितना हो रहा है? 9.5 हो रहा है ना, लेकिन 9 आएगा, ठीक है? तो इसमें कट जाएगा तुम्हारा 2 नंबर, 2 की 1.5 नंबर कट जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे ना? हाँ करेंगे, तो ऐसे चेक कर लेना है। हाँ 14,
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मिल गया मिस्टेक, मिल गया. दोबारा कर ले, दोबारा. यहाँ पे बार बार मिस्टेक हो भाई. सर इसका आंसर आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा 3√2/2. इसको भी दोबारा करेगा, इसको भी दो नंबर ही देगा. 15 वाला. फिफ्टीन का तो उससे आ गया. 15 का कौन सा पार्ट किया था? 15 का एक ही पार्ट था सर. है 15 का दो पार्ट है ना? हाँ तो सर फर्स्ट पार्ट के. x=-1 रिजेक्ट क्यों किया? x=-1 रिजेक्ट क्यों किया? सर ठीक है, लिखा ना LHS नेगेटिव आ जाएगा. tan inverse -2 और tan inverse -3. ओके सही है, ये वाला सही है. 16 16 है ना? प्रूफ करना था. ये तो सही है, प्रूफ वाले तो सही होगा. जब प्रूफ वाले होता है वो तो सही होता है, उसमें आंसर हो जाता है ना, वो तो पता चल जाता है. थोड़ा मिस्टेक हुआ, फाइंड वाले में बहुत दिक्कत पड़ जाता है. ओके 17. में फाइंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आसान है, तो एनसीईआरटी बुक का ही. सेवेंटीन में log sin x x cot x 200. हाँ ठीक है, करेक्ट. सेवेंटीन तो हो गया. 18 18 में तो था डी एच एड फॉर फोर. कितना है बेटा? 1/12. नो 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 नो, 1/12 पे आएगा सर. 1/12 पे. 1/12 ए ठीक है, उसको दोबारा देखना, फिर दोबारा भेजना. ये कैसा आएगा सर? ये तो कैंसिल आउट होगा. क्यों सर? x = a sec3 ना, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा?
अरे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर करेगा तो उसमें कॉस थीटा आएगा, फिर डी थीटा अपन डी एक्स आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, साइन थीटा है ना। तो अभी फिर उसको डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर करेगा तो साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, फिर थीटा का क्या होगा, डी थीटा अपन डी एक्स होगा ना, तो उसी में गलत हो गया ना, 19 वाला था। बहुत ज़्यादा कट गया आज। दो नंबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ढेर भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ से गलत हो गया ना। 19 हाँ ठीक है, 19 वाला सही हुआ। अच्छा इमीडिएटली जो जो तुम्हारा गलत हुआ उसको करके